हेलो गाइस, फूड्स वेजिकेम में फोटामी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे झिंगी पार्सल। झिंगी पार्सल से आपको डोमिनोज की याद आ गई होगी। आइए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं बटर डालूंगी, टोमेटो डाल दूंगी इसमें, टोमेटो को 1 से 2 मिनट तक मैं पकाऊंगी। मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी मैं टोमेटो में, 1 चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें नमक। टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक ये टमाटर मैश ही नहीं हो जाते। देखिए टमाटर मैश हो गए, अब हम इसमें डालेंगे प्याज 1, मैंने प्याज को लाल टमाटर के बाद इसलिए डाला है क्योंकि हमें टमाटर मैशी चाहिए थे और प्याज थोड़ी क्रंची चाहिए थी। अब इसको थोड़ा सा पका लें। अब मैं इसमें थोड़े से इटालियन फ्लेवर लाने के लिए ऑरिगेनो डालूंगी 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, मिक्स सॉस 1 चम्मच और 4 से 5 चम्मच टोमेटो केचप। अगर आपको थोड़ा सा तीखा खाना है तो आप इसमें शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है बिल्कुल। 2 चम्मच सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से, तो भी ये सारी चीजें। अब आप इसे 2 से 3 मिनट तक पकाइए। कढ़ाई में शिमला मिर्च डालूंगी 1, मैंने चॉप कर ली शिमला मिर्च। मैं 1/4 कप स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, सबको मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें 150 ग्राम पनीर ऐड कर रही हूँ, इसको भी मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए, वो भी मिक्स कर दूंगी और तब कुक करेंगे। आप चाहे तो पनीर को मैश भी कर सकते हैं। देखिए हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, अब मैं इसको बाउल में निकाल दूंगी। 1 कप मैदा लिया है मैंने इसमें। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी, आप अपने स्वाद के अनुसार कीजिए। 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/8 टेबल स्पून सोडा, 1 बड़ी चम्मच शक्कर, 1/2 कप दही लिया है। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर पानी से आटा नहीं गूंथूंगी, दही से ही हम आटा गूंथेंगे। देखिए मेरा डो अभी बन चुका है आधा। अब मैं इसको नीड करूंगी, पहले मैं अपने हाथ क्लीन कर लूंगी, उसके बाद हम इसको नीड करेंगे। नीड करने के लिए हमने यहाँ पे एक परात ली है, आप प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। इस पे मैं तेल डालूंगी, ऑयल, थोड़ा सा ऑयल मेरे हाथों में भी लगाऊंगी और जो हमने आटा गूंथा था उसको लेंगे और फिर उसको ऐसे 7 से 8 मिनट तक गूंथेंगे। मैंने ऑयल का इसलिए यूज किया है क्योंकि आटा चिपके ना ये हमारा, और आप चाहे तो आपको लग रहा है कि आपका आटा स्टिकी हो रहा है तो आप और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल के लिए कोई भी वो नहीं, हमें इतना ही ऑयल लेना है। इसको 7 से 8 मिनट तक आप अच्छे से ऐसे ही गूंथ लें जिससे आपका आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए हमारा कितना सॉफ्ट डो हो गया है, आप देख सकते हैं। ये
थोड़ा सा स्टिकी अभी भी हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल और लूंगी, उस पर डाल दूंगी, फिर से ग्राइंड कर लूंगी। जितने अच्छे से आप नीड करोगे उतना ही अच्छा हमारा झिंगी पार्सल बनेगा। देखिए हमारा आटा हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम भटूरे का आटा, जैसे हम उसनते हैं गूंथते हैं वैसे ही आटा चाहिए होता है। अब हम आटा लेंगे और इसको रोल रोल करेंगे। अब हम इसको इक्वल पार्ट में कट कर देंगे। अब मैं इसको राउंड राउंड कर दूंगी, ऐसे ही सारी कर लेंगे। इतनी साइज की आप लोई बना लीजिए सारी। यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे आटे में 6 लोई बनाई है। इन्हें हम साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैं बटर ले रही हूँ जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है, 2 चम्मच। ऑरिगेनो लिया है हमने यहाँ पर 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है। अब हम लहसुन लेंगे और इसे क्रश कर लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन निकाल लिया हमने, अब इन सबको मिक्स कर देंगे। ये हमारा गार्लिक पेस्ट बनके रेडी है। यहाँ पर मैंने मक्की का आटा ले लिया है, इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। एक लोई लेंगे हम और उसमें मक्की का आटा लगा देंगे, इसमें आप मक्की का आटा लगा लीजिए। अब हम इसको बेल लेंगे, मैं इसको बेल लूंगी। इसको हमें थोड़ा मोटा बेलना है। हमने देखिए बेल लिया है। अब हम इसमें जो हमने गार्लिक पेस्ट बनाया था उसको लगाएंगे। लगा देंगे हम पूरे सीट पर लगा लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने ये लगाया है। आपको लगाना है तो लगाइए, ऑप्शनल है। अब मैं इसे फोल्ड कर दूंगी इसे ऐसे, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये खुले ना। अब हम इसमें हमारी स्टफिंग डालेंगे जो हमने बनाई है। यहाँ पे आप 1 चम्मच स्टफिंग डाल दीजिए। मुझे स्टफिंग बहुत पसंद है इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा डालती हूँ। यहाँ पे मैं चीज क्यूब ले रही हूँ। अब मैं इसको ऐसे बंद कर दूंगी, तीनों कोनों को लाकर एक साथ। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा झिंगी पार्सल, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने केक पिन ली है, इसमें ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर लगा दिया है, इसमें ही हम रख देंगे। आप यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्रे भी ले सकते हैं, बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। यहाँ पे हमने मिल्क लिया है थोड़ा सा, इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। इसको हम झिंगी पार्सल के ऊपर लगाएंगे जिससे उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी पूरा शक्कर का मिक्स, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल देंगे। देखिए हमारी झिंगी पार्सल, इसे मैंने कढ़ाई में रख दिया है। पहले मैंने कढ़ाई को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर पकने देंगे हम इसे 35 मिनट के लिए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इनको निकाल दूंगी। इतने अच्छे से बेक हो गए हमारे झिंगी पार्सल, आप देख सकते हैं। देखिए कलर,
आप साइड से भी देखिए, पीछे से भी कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें बटर लगा लेंगे इसके ऊपर। देखिए सारे में मैंने बटर लगा दिया। अब इसको मैं गरम गरम सर्व करूंगी। देखिए कितने टेस्टी और यम्मी बनके हमारे रेडी हैं झिंगी पार्सल। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितना यम्मी और टेस्टी दिख रहा है, आप खुद देख सकते हैं।